हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं स्टेट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा पार्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का, ये भी इंक्लूड है इसके अंदर, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड वेरियस रिकमेंडेशंस। सो इसके अंदर हम देखें तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो 1956 है, इसके सेक्शन 291 में हमें बताया गया है जनरल पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड देन फिर हम बात करते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन का मतलब क्या है? जो जो हमारी स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनका टोटल जो ग्रुप बना हमारा, ठीक है, उन सबको हम ज्वाइन कर लें, जो हमारा ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं कन्फेडरेशन। सो कन्फेडरेशन क्या है? ये एक ऐसी एसोसिएशन है इंडियन बिजनेस की जो काम करती है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो हमारी कंट्री के अंदर। तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये इंडस्ट्री को मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, एंड एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इंडियन डेवलपमेंट के लिए, कि हमारे इंडिया की डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ होंगे? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे टुवर्ड्स ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो इन्होंने वेरियस रिकमेंडेशन दी है कि ये अगर हम रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया, अगर ये फॉलो करते हैं तो इससे जो हमारी कंपनी में अच्छा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। सो इन्होंने फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी है कि जो हमने जर्मन मॉडल पढ़ा था, आई होप आपने मेरी वीडियो देखी हो पहले, जर्मन मॉडल पे मैं ऑलरेडी वीडियो अच्छे से बना चुकी हूँ, मतलब आप अगर वो देखोगे आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि वहाँ पे हम टू टायर बोर्ड सिस्टम है वो फॉलो करते हैं जर्मन मॉडल में। सो इनकी रिकमेंडेशन फर्स्ट क्या थी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जर्मन सिस्टम को अडोप्ट करें, क्योंकि उसमें क्या था, हमारा टू टायर बोर्ड था। अगर हमारा एक टायर बोर्ड भी हो, अगर हम उसे वो अपना अच्छे से काम करे, अपनी हर ड्यूटी को परफॉर्म करे, तो वो भी मैक्सिमाइज कर सकता है लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टू या फिर मल्टी बोर्ड सिस्टम हो। सो इन्होंने फर्स्ट रिकमेंडेशन में क्या किया कि जो जर्मन सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर हमारा जो एक सिस्टम है, सिंगल बोर्ड है, अगर वो भी अच्छे से काम करता है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो उससे भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारा फुल बोर्ड है उसको साल में एक बार, मतलब इन्होंने मीटिंग के बारे में बताया कि कितने टाइम में होनी चाहिए, क्या गैप होना चाहिए, तो उसमें हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बताया, फुल बोर्ड को एक साल में, ठीक है, 6 times मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद 2 महीने का गैप होना चाहिए, लाइक एक मीटिंग है फिर दूसरी मीटिंग है, तो उन दोनों के बीच में 2 महीने का गैप होना चाहिए, और हर मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए कि हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, और एटलीस्ट जो हम मीटिंग कर रहे हैं ना, वो कम से कम हमारे जो हाफ डे की डिस्कशन उसके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस तुम 10 मिनट के लिए मीटिंग कर लो, सो वो कोई मीटिंग थोड़ी है, मीटिंग क्यों करते हैं, तब कोई पर्पज़ होता है कंपनी में। अब हम यहाँ पे अपनी मीटिंग नहीं कर रहे, जो फ्रेंड्स करते हैं वो तो हम पता है गप्पे मारने के लिए, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तभी मीटिंग हो ना, कंपनी में तो बहुत सारा काम होता है, तो हम यहाँ पे उस मीटिंग की बात करते हैं। तो उसका कुछ एजेंडा होना चाहिए मीटिंग का, कि हमारा एजेंडा क्या है, और एटलीस्ट हाफ डे की वो डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी इन्होंने सेकेंड रिकमेंडेशन क्या दी है कि जो लिस्टेड कंपनी है उनकी टर्नओवर 100 या फिर उससे ज़्यादा है, और नॉन एग्जीक्यूटिव जो हमारे डायरेक्टर है उनकी, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर, कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोली गई है, अगर हमारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, जो हमारा चेयरमैन है, यानी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, अगर वो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो हमारे जो 30% है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकेंड क्या है, अगर हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन सेम पर्सन है, यानी एक पर्सन है, वही तो हमारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वही चेयरपर्सन है,
तो उस केस में 50% है जो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ठीक है, रिकमेंड किया कि भाई ऐसा होना चाहिए, चेयरमैन अगर हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 30% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो चेयरमैन है वो सेम पर्सन है तो उस केस में हमारे 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने थर्ड रिकमेंडेशन क्या दी है कि एक जो सिंगल पर्सन है वो एक टाइम पे 10 से ज़्यादा कंपनी में काम ना करे, ठीक है। तो एक जैसे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, अगर डायरेक्टर है वो एक टाइम पे सिर्फ 10 कंपनियों में, मैक्सिमम 10 कंपनियों में काम करे, इससे ज़्यादा कंपनीज में काम ना करे। अगर वो ज़्यादा कंपनीज में काम करेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है ना, तो अच्छे से अपनी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, प्रेशर बहुत हो जाएगा काम का। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि 10 कंपनी इनफ है। वैसे हमारी लिमिट होती है कि एक टाइम पे एक जो डायरेक्टर वो 20 कंपनीज में काम कर सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं कर सकता। उसके बाद कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होगी, लाइक हमने पढ़ी ना कि 10 कंपनीज में काम करें, इसके अंदर एक्सक्लूड होगी डायरेक्टरशिप इन सब्सिडरीज, यानी जो हमारी कंपनी की सब्सिडरी अगर वो उसमें काम कर रहा है तो इसके अंदर वो चीज़ काउंट नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ पे हम सब्सिडरी हमारी कौन सी होती है, जहाँ पर हमारे 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर हो। उसके बाद हमारी है एसोसिएट इक्विटी ओनरशिप हो। इसके बाद हमारी एसोसिएट कंपनी यानी जिसमें हमारे 25% से ज़्यादा बट 50% से कम इक्विटी ओनरशिप हो, ठीक है। तो वो वाली अगर उसमें वो डायरेक्टर काम कर रहा है तो वो भी काउंट नहीं होगी, 10 कंपनीज में वो काम कर सकता है, इससे ज़्यादा में नहीं करना चाहिए उसको। इसमें दो चीज़ एक्सक्लूड होगी, एक तो सब्सिडरी वो जहाँ पे हमारी 50% से ज़्यादा ओनरशिप है, और दूसरी एसोसिएट कंपनी वो जिसमें 25% से ज़्यादा बट 50% से कम हमारे इक्विटी ओनरशिप है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी रिकमेंडेशन 4। सो रिकमेंडेशन 4 क्या कहती है, ये है हमारी 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कि एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना एंड कॉरपोरेट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें और मैक्सिमाइज करें लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू को। तो उसको कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए कंपनी के अंदर, मतलब क्या क्या नीड है उसके लिए। फर्स्ट है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन बोर्ड, नॉट पैसिव एडवाइजर, यानी वो जो भी एक्शन ले उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड हो, नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लाइक हमारा किसकी बात कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उसको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखने, कैसे चेक करना, कैसे रीड करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे, फाइनेंशियल रेशियो को कैसे, कंपनीज लॉ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो वो एक कंपनी के अंदर काम कर सकता है। अभी ऐसे जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है उसको हम कैसे कंपनी में जॉब दे सकते हैं, मतलब फिर वो अपना जो भी काम वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ एक्सक्लूड है कि मतलब चलो ठीक है कि उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर हमने किसी बोर्ड में हमने किसी को इनवाइट किया है एज ए एक्सपर्ट इन अदर फील्ड, सच एज हम बात करें कि हमने किसी साइंटिस्ट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के बंदे को बुलाया, तो उसको तो बैलेंस शीट, जो साइंस वाले बच्चे उनको तो नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सक्लूड है। बट जो हमारे हैं कि जो हमारी फील्ड के बंदे हैं, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, तो उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बट जिनको हमने एक्सपर्ट एडवाइस के लिए या फिर किसी और काम के लिए इन्वाइट किया है, ठीक है, बोर्ड में, तो उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस है। सो इसके बाद हमारा 5th है, ये भी हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड है कि हम अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी बदले में हमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ उसको फीस के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको कमीशन वगैरह देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे, और जो भी है बाहर के अगर अच्छे हैं मतलब पर्सन, तो वो भी हमारी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने में मतलब अट्रैक्ट होगा एक तरह से हमारी कंपनी में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, लाइक हम भी अगर हम अपनी बात करें, अगर हम कोई भी किसी का कोई काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ रिटर्न में मिलता है, तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा फील होता है। तो वही चीज़ है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, तो हमें उनको फीस के अलावा कमीशन भी देना चाहिए, ठीक है,
और इसमें एक कंडीशन लिखी है कि अगर कंपनी के अंदर एमडी है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हम देंगे कमीशन 1% नेट प्रॉफिट का। अगर कोई भी एमडी नहीं है, इफ़ नो एमडी देन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहाँ पे हम देंगे नेट प्रॉफिट का 3%। ठीक है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है देन 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि कमीशन हम क्या दे रहे हैं, एज ए रिवॉर्ड्स दे रहे हैं उसको अपने करंट प्रॉफिट में, बट हमें उन्हें स्टॉक ऑप्शन भी ऑफर करने चाहिए सो एज टू रिलेट रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस एज एप्रिसिएशन, कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइक हमने क्या दिया, कमीशन तो उनको दिया है भाई, जो हमारे करंट के प्रॉफिट हो रहे हैं नेट प्रॉफिट्स में से हम उनको दे रहे हैं कमीशन, बट अगर वो अपनी जॉब अच्छे से, हमें उनको स्टॉक ऑप्शन भी ऑफर करने चाहिए सो हम उनकी परफॉर्मेंस से उसको रिलेट कर सकें, उनको एज ए रिवॉर्ड दें, उनको अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, इसके बाद हमारी है सिक्स रिकमेंडेशन, टोटल 7 रिकमेंडेशन है इसके अंदर। ठीक है, सो सिक्स रिकमेंडेशन में क्या है कि जो हम रीअपॉइंट करते हैं बोर्ड के मेंबर्स को कंपनी, ठीक है, तो उनको मतलब पूरी अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना चाहिए कंपनी को। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम रीअपॉइंट करते हैं उनका पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना चाहिए कंपनी को। अगर कोई भी डायरेक्टर एब्सेंट है या फिर विद और विदाउट लीव्स और 50% से ज़्यादा उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी है, ठीक है, कोई भी, फिर उस क्या है जनरली क्या होता है कि कोई भी पर्सन उसको वोट नहीं करता है कि उसको एज ए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम उसको रीअपॉइंट करें। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन के पास मीटिंग अटेंड करने का टाइम ही नहीं, तो वो कंपनी के लिए कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे वो अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये है हमारा सिक्स्थ रिकमेंडेशन। देन हमारी सेवन्थ रिकमेंडेशन कि जो हम बोर्ड को रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें हमें क्या क्या मतलब की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारी वेरियस इन्फॉर्मेशन है कि किसने कितनी पेमेंट की है, किसके कितना मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट की है, कितने डिफ़ॉल्ट में है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, बोर्ड लेवल के नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट के बारे में, उनकी रेमुनरेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सारी जितनी भी कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी वो बताई जाएगी। फॉरन एक्सचेंज एक्सपोजर की क्वार्टरली डिटेल दी जाएगी। इसके अलावा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स एंड बजट टुगेदर विद अपडेटिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, कैपिटल बजट हमारा क्या है, मैन पावर ओवरहेड बजट, मतलब इसके अंदर हमारी सारी डिटेल दी जाती है कंपनी से रिलेटेड। सो ये थी 7 रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।